देश के बुनियादी ढांचे को टटोलना हो या देश की सियासत को तोलना हो, बात संविधान से ही शुरू होगी, संविधान पर ही खत्म होगी। लेकिन क्या आज भी देश को संविधान की नीतियां याद हैं? क्या आज भी लोग देश के संविधान के मायने नहीं समझ पाए हैं? क्या आज देश का संविधान अपने अस्तित्व की जंग लड़ने को मजबूर है? ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। किसी देश का संविधान उस देश की नींव होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान होता है। किसी राष्ट्र की पहचान उसके नैतिक सामाजिक मूल्यों और उसके जनमानस की आकांक्षाओं से होती है। हिंदुस्तान जो अलग अलग भाषाओं अलग अलग धर्मों का मुल्क है, जाहिर है उसे किसी तंग नजरिए से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। लिहाजा आजादी के बाद देश को जरूरत थी एक ऐसे कानून की जो सबको साथ लेकर आगे चले, हिंद की एकता में अखंडता को बरकरार रखे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईना। ये आईना ही वो आईना था जिसमें देखकर हिंदुस्तान ने खुद को पहचाना और सवारा। वो मुकद्दस किताब हिंदुस्तान के लिए महज किताब नहीं है, बल्कि उसमें हिंदुस्तान की पहचान को रचा और गढ़ा गया। लेकिन अनेकता में एकता को समेटे भारत देश के संविधान की कल्पना, उस कल्पना को साकार करना मामूली तो नहीं रहा होगा। तभी तो संविधान की कल्पना से लेकर उसे लिखित रूप देने में संविधान सभा के सदस्यों को पूरे 3 साल की मशक्कत करनी पड़ी थी। और मशक्कत होती भी क्यों ना, आखिर कल्पना महज एक किताब या संविधान की नहीं थी, वो थी कल्पना एक नई मुल्क की। हमारे संविधान में भारतीयता के अनूठे रंग सजे नजर आते हैं। पवित्र किताब में बने चित्रों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में कैसे आदर्श भारतीय समाज की परिकल्पना रही होगी। यूं तो देश के संविधान के मंथन में बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 26 नवंबर 1949 ये वही तारीख है जब हिंदुस्तान का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक ये संविधान हमारे देश की राजनीति को तोलने का खास मापदंड रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर हमारे मन को झकझोरता होगा कि क्या आज भी संविधान की नीतियाँ सियासत से लेकर आम जन के लिए मायने रखते हैं? क्या आज भी गढ़ और तंत्र में कोई दूरी नहीं आई है? मसलन समय आने पर सवालों के मायने भी तलाशे जाएंगे और देश का मुस्तकबिल लिखने वाले सियासतदान को उनके जवाब भी देने होंगे। बहरहाल आज देश का संविधान 70 साल का सफर तय कर चुका है। आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। संविधान दिवस पर लोकसभा में पीएम मोदी ने 26 नवंबर को ऐतिहासिक दिन बताया। ये 26 नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। 70 साल पहले हमने विधिवत रूप से एक नए रंग रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया था, लेकिन साथ साथ आज 26 नवंबर दर्द भी पहुंचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराएं, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा, उसे आज ही के 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी मंसूबों ने छलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं। तो वहीं देश के संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को एकता के सूत्र में बांधने वाला हमारा संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी। विडम्बना देखिए, हमारे देश और देश की सियासत की एक तरफ तो संविधान का गुणगान किया जाता है, तो वहीं दूसरी ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो आज के परिपेक्ष में संविधान के मूल्यों और मायनों पर सवाल उठाती नजर आती है। हाथों में बैनर,
और बैनर में लिखा है स्टॉप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इशारा साफ है देश के सियासी हालात बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस बात की वानगी संसद में भी नजर आती है और जिसकी गवाही संविधान दिवस पर संसद की संयुक्त बैठक का विपक्ष का बहिष्कार करना भी दे रहा है। बहरहाल हिंदुस्तान की जिस अखंडता और विश्वास को बनाए रखने के लिए संविधान की कल्पना की गई थी, जिस कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए संविधान को रचा और गढ़ा गया था, 26 नवंबर 1949 को जिस लोकतांत्रिक ढांचे की नींव धरी गई थी, आज उसी संविधान दिवस पर देश की सियासत के पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, R19।